शेखर सुमन ने किए कई खुलासे। क्या सुशांत के केस में कोई और भी है इन्वॉल्व्ड? क्या रिया चक्रवर्ती के पीछे कोई और है मास्टरमाइंड? आखिर क्या कहना है शेखर सुमन का, आइए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं और इस मामले की जांच कर रही मुंबई और बिहार पुलिस से ये मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रमुख सार्वजनिक आक्रोश और भावना का पालन करते हुए सुशांत मामले में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उनके परिवार के सदस्य, मित्र और प्रशंसक को इस फैसले से काफी सुकून मिला है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शेखर सुमन ने दिवंगत अभिनेता के लिए सीबीआई जांच की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बीच पिंक फिला को दिए इंटरव्यू में शेखर सुमन ने इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा इसे पहले दिन से हत्या कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये हत्या है या आत्महत्या। आप देख सकते हैं कि शुरुआत से ही आत्महत्या के लिए कथा निर्धारित की गई थी। हमें पुलिस के प्रति बहुत आभारी होने की आवश्यकता है। वहाँ कौन था और अवैध रूप से सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीरें बाहर भेजी। वही रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करते हुए उन्होंने शॉकिंग खुलासे किए। उनका मानना है कि रिया तो गलत है ही, लेकिन वो कहते हैं कि इस पूरे मामले की योजना बनाने वाला एक बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं उसे नहीं समझा रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती अपराधी है। अपने तरीके से वो क्या कर रही थी, उसका एक एजेंडा था। शायद वो मास्टरमाइंड के साथ शामिल है, कौन जानता है। तथ्यों को सामने लाने के लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। वो स्क्रिप्ट और खेल का हिस्सा है, लेकिन रिया छोटे अपराधों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी मछली हो सकती है। उसके बारे में पैंतरेबाजी करने वाले बड़े दिमाग हो सकते हैं। सबूतों को जोड़ते हुए शेखर सुमन ने बताया कि ये निशान संदेहास्पद था, क्योंकि ये एक सममित चिन्ह था जो एक ओ के आकार का था। ओम तौर पर जब कोई व्यक्ति खुद को लटकाता है तो निशान गर्दन से ऊपर जाता है, शायद चेन के थोड़ा सा ऊपर ले जाता है, करीब कान तक। इसके अलावा उसका चेहरा विकृत नहीं था। ऐसा लगता था कि वो शायद नशे में था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। वो इतना लिखता था और उसने स्पष्ट रूप से एक सुइसाइड नोट नहीं छोड़ा। सुइसाइड नोट न लिखने से उनके लिए खतरा है या उनके भविष्य को खतरा है, ये सभी को संदेह के दायरे में ला देगा। यानी कि शेखर सुमन को लगता है कि रिया के साथ कोई और भी मिला हुआ है और कि इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड इन्वॉल्व्ड है। वेल, आपको बता दे कि शेखर सुमन ने इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती को सिर्फ एक बलि का बकरा कहा था। क्या वाकई कोई इन्वॉल्व्ड होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंसी की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और उनके मैनेजर और पेरेंट्स का नाम शामिल है। इन सभी लोगों पर सुशांत को खुद की जान लेने के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल आप हमें कॉमेंट करिए, बताएं कि आपकी राय क्या है।